16 फरवरी को केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ तथा मजदूरों और किसानों की मांगों के समर्थन में केंद्रीय ट्रेड यूनियंस और संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी हड़ताल और ग्रामीण बंद के आह्वान पर मुरादाबाद में सीटू किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन, भवन निर्माण मजदूर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर पार्क सिविल लाइन में कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज देश की संपदा पैदा करने वाले मेहनतकशों, किसानों और मजदूरों के अधिकारों पर तेजी से हमला हो रहा है। लगातार जन विरोध के बावजूद केंद्र सरकार पूरी हठधर्मिता के साथ बड़े कॉरपोरेट घरानों के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। जनता के धन से बने सार्वजनिक संस्थाओं का बेरहमी के साथ निजीकरण किया जा रहा है। रोजगार देने वाले संस्थाओं को पूंजीपतियों के हवाले करके नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर को खत्म किया जा रहा है। मजदूरों के अधिकारों पर हमला जारी है। काम करने के हालात बेहद असुरक्षित है। श्रम कानूनों में बदलाव करके 8 घंटे से ज्यादा काम लिया जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई आम जनता की कमर तोड़ रही है, जिस कारण जनता की जीवन यापन की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। शिक्षा और इलाज पाना जनता के लिए मुश्किल हो रहा है। असंगठित क्षेत्र में 94% घरेलू और अन्य तमाम कामगार, जो कि देश की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, इन सबके लिए आज़ादी के 75 साल बाद भी कोई सुनिश्चित सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है। ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार गारंटी और उनके जीवन स्तर में किसी भी सुधार के लिए सरकार गंभीर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं की फौज खड़ी हो रही है। खेत मजदूरों के लिए एकमात्र रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को भी बंद किए जाने के आसार नजर आ रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याएं सुनने को कोई तैयार नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अनेक समस्याओं से जूझ रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। इस मौके पर राष्ट्रपति को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को पेश किया गया, जिसमें मांग उठाई गई कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन बोर्ड का गठन करो, चीनी उद्योग, होटल उद्योग आदि में वेतन पुनरीक्षण के लिए वेतन समिति का गठन करो, मजदूरों के लिए महंगाई के अनुसार न्यूनतम वेतन 26,000 मासिक घोषित करो और 10,000 मासिक पेंशन लागू करो, कारखानों और संस्थाओं में मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करो, महिला श्रमिकों के लिए समान वेतन नीति लागू करो और महिलाओं का उत्पीड़न करना बंद करो, असंगठित क्षेत्र के मेहनतकशों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करो, ठेका प्रथा बंद करो, ठेका मजदूरों को स्थायी करो, 4 चैम्बर कोर्ट समाप्त करो, बढ़े हुए काम के 1 घंटे कम करके पूर्व की भांति 8 घंटा करो, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं और कंपनियों का निजीकरण करना बंद करो। इस मौके पर केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए जो भी गरीब मजदूर और किसान विरोधी बताते हुए बजट की प्रतियां भी जलाई गई। कार्यक्रम को कामरेड धान सिंह, कामरेड चंद्रपाल सिंह आजाद, कामरेड महिपाल सिंह चमन आरा, संजय नारंग, जुल्फिकार हुसैन, जागन सिंह, विकास नेगी, सुनील सक्सेना, शरीफ अहमद, शिवा, सरवती देवी, जैनब जहां, मनोज कुमारी, मिथिलेश कुमारी, क्षमा मिश्रा, भूरी देवी, सविता देवी, कृष्णा देवी, शमीम, रुखसाना, रिहाना, जावित्री कांति, सपना, बबीता आदि ने संबोधित किया। ज्ञापन और प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए आंगनबाड़ी कर्मचारी नेत्री चमन आरा ने क्या कहा, ये सुनते हैं। किन मुद्दों को लेकर ये आंगनबाड़ी द्वारा प्रदर्शन? ऑल इंडिया किसान मोर्चा और मजदूर जो है आपस में मिलकर जो है आज की जो हड़ताल है उसको सफल बनाने के लिए, क्योंकि हम मजदूरों के संपत्ता हालत में और हम सीटू सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जो कि इस हड़ताल का पूरी तरह से उसमें शामिल है, तो उसी की यूनियन के तहत आज आंगनबाड़ी कर्मचारी इसमें शामिल है। और क्योंकि आंगनबाड़ी को अभी तक 2014 के बाद में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है, जो अभी जो बजट आया था सारे लोग लगाए बैठे थे कि इस बजट में शायद है कि अंतरिम बजट है सरकार का, तो उसमें उसका कुछ नहीं, लेकिन उसने आंगनबाड़ी को भी अनदेखी करी, उसको कुछ नहीं दिया और बजट लगातार कम होता चला रहा है। 2014 के बाद से आज तक लगातार बजट कम करते चले आ रहे हैं, कोई मानने में वृद्धि नहीं है, कोई ग्रेच्युटी नहीं, कोई चीज़ें नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश की ग्रेच्युटी है, हाई कोर्ट में उससे है कि ग्रेच्युटी को, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उसी के लिए हमारी जो है हड़ताल का नोटिस हमने निदेशकों से भेजा था, तो कल हाथों हाथ निदेशक महोदय ने हमें लखनऊ बुला लिया और वहाँ पर वार्ता हुई, और वार्ता होने के बाद जो स्थानीय मुद्दे थे उसको तो सुना, लेकिन उन्होंने कहा जो सेंटर गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको हम नहीं कर सकते। हमारी मेन मांग ये है कि जो हम 1,000 की आबादी में लगे थे और 1,000 से वो बढ़ते बढ़ते 2,500-3,000 की आबादी हो गई, लेकिन वहाँ पर कोई आंगनबाड़ी नहीं रखी जा रही है। हमने कहा कि रिक्त पदों पर आप भर्ती निकालने की बात कर रहे हो, लेकिन जो नए स्वीकृत सेंटर खोले जाए जिससे कि आबादी को कवर किया जाए, क्योंकि सबको राशन चाहिए, जहाँ राशन नहीं जा रहा है वहाँ पर शिकायतें बढ़ रही हैं।
एक एक आंगनबाड़ी 2,500-3,000 की आबादी पे काम कर रही है। मैं मतलब महासचिव प्रदेश की होने के नाते मैं 6,000 की आबादी पे मैं अकेले काम कर रही हूँ, तो उसका कोई जो पोस्टल ट्रैकर पर काम हो रहा है उसका कोई नेट पैक नहीं दिया जा रहा है, उसे कोई अतिरिक्त मतलब भत्ता नहीं दिया जा रहा है, तो उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर जो है ग्रेच्युटी दी जाए, पेंशन दी जाए, माननीय बढ़ोतरी दी जाए, इसके लिए आज हम जो है सरकार के खिलाफ हम भी उतरे हैं और आज हमने बजट की पड़तियाँ जलाई हैं अमृत प्रपात में, तो उसको लेकर जो है हम विरोध